ये सब चीज़ तो आप समझ गए, प्रिंसिपल अमाउंट। कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ लग रहा है,
कंपाउंडली इंटरेस्टेड, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब कि यहाँ पे लग रहा है। तो सबसे पहले तो 15,000 रुपए, ठीक है, फर्स्ट ईयर के कितना होगा प्रिंसिपल, एकदम सिंपल बेसिक तरीके से बता रहे, ठीक है, प्रिंसिपल ऑन फर्स्ट ईयर, प्रिंसिपल ऑन फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर में प्रिंसिपल क्या हो जाएगा आपका, हमेशा पी एल ई होता है ना, पी एल ई, ओके, तो फर्स्ट ईयर आएगा 15,000, ओके, 15,000 रुपीज है आपका, प्रिंसिपल हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं, प्रिंसिपल एल ई होता है, ये ओके फाइन, पी एल ऑन फर्स्ट पर प्रिंसिपल ऑन फर्स्ट ईयर दैट इज 15,000 रुपीज, ओके। तो यहाँ पे अगर हम रेट की बात करते हैं तो 8% रेट है, टाइम है 2 ईयर्स के, तो इंटरेस्ट क्या होगा फर्स्ट ईयर का, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, हमको पता है 15,000 रुपीज है, उस पर 8% का इंटरेस्ट लग रहा, मतलब 8/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, मतलब कि 10, 40, 0, 10, 4, 12, यानी कि 1200 रुपीज है, ये किसका है, इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है आपका फर्स्ट ईयर का, ठीक है। तो अगर हम इसी को मान लेते हैं, अगर हम अमाउंट निकालना चाहते हैं, ऑन फर्स्ट ईयर का मुझे कितना पैसा मिलता है कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से, तो मुझे कितना मिलेगा, एक प्रिंसिपल अमाउंट तो मिलेगा ही, प्लस जो आपका इंटरेस्ट है वो भी मिलेगा, तो रिजल्ट कितना हो रहा है आपका 200, यानी कि 16,200 रुपीज, ये क्या है आपका, दिस इज अमाउंट ऑफ ऑन फर्स्ट ईयर, ये आपका अमाउंट मिलेगा, जो अमाउंट आपका फर्स्ट ईयर का रहता है वही आपका सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल हो जाता है, क्या हो जाता है, सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल हो जाता है, तो आप क्या लिखेंगे, प्रिंसिपल ऑन सेकेंड ईयर, प्रिंसिपल फॉर, यहाँ पे फॉर भी हो, फॉर, ओके, प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर कितना हो जाएगा, 16,200 रुपीज, क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर दैट इज 16,200 रुपीज, ओके ओके। नाउ अब आपको क्या करना है, तो प्रिंसिपल अमाउंट निकला सेकेंड ईयर के, अब आपको इंटरेस्ट निकालना है, इंटरेस्ट ऑन सेकेंड ईयर, अब इसको प्रिंसिपल माने हो तो इसका 8% 2 जीरो से 2 जीरो बढ़िया, क्या बोल जाए, 2 जीरो 16 का 6 कैरी 1 और 9 कैरी 4 8 12, कितना बच रहा है, 296 रुपीज आ रहा है इंटरेस्ट ऑन सेकेंड ईयर, ये सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट है, ठीक है, अमाउंट कितना मिलेगा सेकेंड ईयर के बाद, अमाउंट ऑन कितना
कितना होगा, टोटल अमाउंट कितना मिला, 17,496 माइनस कर देंगे हम इसको प्रिंसिपल अमाउंट, कितना है 15,000 रुपीज, यानी कि 2496 रुपीज, ये आपका क्या है सीआई हो जाएगा सेकेंड ईयर का। तो आपको क्या पता चल रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट जो आपको लास्टली फाइनली मिल रहा है दैट इज 2496। लेकिन आप देखोगे फर्स्ट ईयर के लिए तो आपको सिर्फ 1200 रुपए मिल रहा था, सेकेंड ईयर में आपका आते आते 2496 हो गया। अगर 1200 ही सेकेंड ईयर में मिलता तो कितना होता, तो मेरा 2400 सिर्फ होता, लेकिन 90 रुपीज एक्स्ट्रा है, 96 रुपीज एक्स्ट्रा है, 96 रुपीज किस पे मिल रहा है, तो इस 1200 पे इंटरेस्ट मिल रहा है। तो आप देखोगे जब 1200 पे इंटरेस्ट देते ना तो आपको 96 मिलेगा 8% इंटरेस्ट, ठीक है। एक बार थोड़ा सा इसको भी हम क्लियर कर देते हैं, तो कंपाउंड इसको ये तो हो गया होगा, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो इसको यहाँ से थोड़ा रफ करते हैं, ये अमाउंट मुझे ये इन्वेस्ट है, ये फर्स्ट ईयर का, इसको थोड़ा सा करेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी आई आफ्टर सेकेंड ईयर का 10%
यानी कि 1110 rupees. ओके, तो अमाउंट क्या हो जाएगा, तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. प्रिंसिपल कितना था 1100 प्लस इंटरेस्ट कितना 110, यानी कि 1021 rupees. यानी कि फाइनली आपको इतना अमाउंट मिल रहा है प्लस. ठीक है, तो अगर सीआई पूछा क्या है, तो अमाउंट माइनस पी कर देंगे तो अमाउंट कितना था 1210 फाइनली मिल रहा. पीआई कितना 100,000 सॉरी कितना 210 rupees. ये क्या हो गया सीआई निकल गया. अब 210 निकल रहा है तो जाहिर सी बात है क्या हो रहा है, सीआई आपका फर्स्ट ईयर का प्लस सेकेंड ईयर दोनों का ऐड करें तो फर्स्ट ईयर का तो सीआई कितना है 100 rupees. टोटल सीआई कितना है 210. तब यहाँ पे क्या ऐड किए होंगे हम, तो यहाँ पे 210 आ गया तो 110, तो जाहिर सी बात है 110 ऐड किए, तो ये 110 ऐड किए, तो जाहिर सी बात है ये 10 rupees तो एक्स्ट्रा आ रहा है. तो किसका पैसा है, तो ये इस 100 का पैसा. 100 से जब 1/10 लोगे तो 10 rupees आ जाएगा. तो इंटरेस्ट व्हाट इंटरेस्ट. ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं. तो आज हम यही तक रखते हैं. ओके, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसके बाद आगे क्वेश्चन करेंगे. ओके, सो प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल, दैट इज ऑल दिस कॉल. थैंक यू सो मच गाइस, गुड बाय एंड टेक.